दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मोदी जी से जामिया के वाइस चांसलर ने मुलाकात की। इस मुलाकात को करने के बाद जामिया के वीसी ने बहुत अच्छा संदेश दिया है पूरे देशवासियों के लिए। आपको दोस्तों पता होगा कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो रिकमेंड करती है कि हर 1000 आदमियों पे एक डॉक्टर होना चाहिए, बट आपको पता है कि झारखंड में 8000 पे एक डॉक्टर है। तो दोस्तों ये WHO का रिकमेंडेशन है, वो पूरा रिसर्च करके उन्होंने रिकमेंड किया है कि अगर हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए तो हर 1000 आदमियों पे एक डॉक्टर होना चाहिए, बट पूरे एवरेज इंडिया में ऐसा नहीं है। तो ये जो मुलाकात हुई इसमें दो मेन बातें हैं। पहला बात ये है, पहले सबसे खास बात ये है, जामिया शुरू कर सकती है मेडिकल कॉलेज यानी MBBS कॉलेज विथ हॉस्पिटल। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी प्रधानमंत्री से मुलाकात की है, उसमें डिस्कशन हुआ है कि जामिया में मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बनाया जाए, इसके लिए प्लान बनाया जाए, इसके लिए फंड्स मुहैया किया जाए। और मोदी जी ने इसको एश्योर भी किया, विश्वास भी दिया है उन्होंने कि हाँ जरूर हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको एनकरेज करेंगे, हम आपको फंड्स देंगे, हम आपको रास्ता दिखाएंगे मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए। यानी नजमा अख्तर वाइस चांसलर जामिया के इन्होंने रिक्वेस्ट किया मोदी जी से कि जामिया में मेडिकल कॉलेज खोली जाए, जो कि सदियों से ये बात डिस्कशन में चल रही है। मैं जब पढ़ रहा था तब भी ये बातें चल रही थी कि जामिया में मेडिकल हॉस्पिटल खुलने वाला है, लेकिन वो सिर्फ न्यूज थी, खुली नहीं अभी तक। लेकिन अभी हाल फिलहाल में नजमा अख्तर ने मुलाकात की मोदी जी से और मोदी जी ने एश्योर किया है कि जामिया में मेडिकल हॉस्पिटल इन्हीं के टेन्यूर में बनेगा, यानी कि विदिन 5 years 4 years ये मेडिकल कॉलेज को जो न्यूज है वो हकीकत में बदल जाएगी और जामिया में मेडिकल हॉस्पिटल विद कॉलेज बनना शुरू हो जाएगा। यानी सबके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। इस वीडियो में दूसरी बात ये है कि जामिया का होने वाला है 100 साल, यानी इस साल नवंबर में जामिया हो जाएंगे 100 साल। इस 100 साल जामिया एकदम ग्रांड सेलिब्रेशन करेंगे, इसमें बहुत ज्यादा फंड खर्चा होने वाला है। तो ये फंड कहां से आएंगे दोस्तों? ये फंड आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, UGC के थ्रू आते हैं। इसके बारे में भी नजमा अख्तर जी ने रिक्वेस्ट की थी मोदी जी से कि हमें फंड भी चाहिए हमें सेलिब्रेशन के लिए, और मोदी जी को इनवाइट भी एडवांस में किया है कि आप जरूर आएंगे इस सेलिब्रेशन में। मोदी जी ने भी हाँ कह दिए कि हाँ मैं आऊंगा और आपको फंड भी दिलाऊंगा, आपको मेडिकल कॉलेज भी बनवाऊंगा, मेडिकल हॉस्पिटल भी बनवाऊंगा। आप जितनी भी रिक्वेस्ट कर रही है वो सारे रिक्वेस्ट में मैं खरा उतरूंगा और सपोर्ट करूंगा, और आप ही के टेन्यूर में वाइस चांसलर रहते हुए ये सारा काम हो जाए। तो ये सबके लिए खुशखबरी है। जितने भी कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो सबके लिए खुशखबरी है, उन सबके लिए खुशखबरी है। डॉक्टर्स देश में बढ़ेंगे तो सबको फायदा होगा, आपके परिवार को फायदा होने वाला है, आपको फायदा होने वाला है। दोस्तों अगर आप स्टूडेंट्स है स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपको भी बेनिफिट मिल सकता है, मेडिकल कॉलेज खुलेंगे तो आपका भी एडमिशन हो सकता है। या जो कैंडिडेट्स पास आउट हैं, जो एलुमनाई है, जो बड़े हैं, जो अभी पढ़ नहीं सकते, उनके आने वाले फ्यूचर, उनके बच्चों का, उनके भाई का, उनके परिवार में किसी का एडमिशन हो सकता है। जामिया से MBBS की पढ़ाई हो जाएगी शुरू, ये पूरे देशवासियों के लिए अच्छा है और आसपास के देशों के लिए भी अच्छा है। हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 6% रिजर्वेशन होता है NRI को, यानी जो विदेश में है उनके लिए भी फायदा होने वाला है। सिर्फ देशवासियों को नहीं, विदेश में भी फायदा होगा, देशवासियों को फायदा होगा, जो स्टूडेंट्स है उनको भी फायदा होगा, जो स्टूडेंट्स नहीं है उनको भी फायदा होने वाला है इस न्यूज से। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं प्रूफ। ये मीडिया कोऑर्डिनेटर के ऑफिस से प्रेस रिलीज हुआ है जिसमें लिखा है कि PM assures JMI वाइस चांसलर ऑफ ऑल हेल्प इन सेटिंग अप अ मेडिकल कॉलेज कम हॉस्पिटल, यानी मेडिकल कॉलेज विथ हॉस्पिटल सेटअप करने के लिए प्रधानमंत्री ने एश्योर किया है। आगे लिखा हुआ है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ड्यूरिंग अ मीटिंग विद जामिया मिलिया वाइस चांसलर, यानी जामिया मिलिया के वाइस चांसलर के मीटिंग हुई थी और प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से उसी में ये चर्चा हुई थी, उसी में डिस्कशन हुआ था मेडिकल कॉलेज कम हॉस्पिटल बनाने की, और प्राइम मिनिस्टर ने एश्योर किया है कि इन्हीं के टेन्यूर में ये हॉस्पिटल बन जाएगा। आगे लिखा हुआ है, अपार्ट फ्रॉम ब्रीफिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑन एकेडमिक एंड रिसर्च एक्टिविटीज इन द यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर अख्तर ऑल्सो इन्फॉर्म हिम अबाउट द सेंटिनरी। सेंटिनरी मतलब होता है सेंचुरी, सेंटिनरी सेलिब्रेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी नेक्स्ट ईयर। जामिया के वाइस चांसलर ने यह भी रिक्वेस्ट किया था कि हम अगले साल ग्रांड सेलिब्रेशन
सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, ग्रैंड सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, उसके लिए फंड की जरूरत होगी। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि यस आई विल फेवर यू, यानी कि मैं फेवर करूंगा कि आपको फंड्स जल्दी मिल जाए और आप ग्रैंड सेलिब्रेशन करें अगले साल। आगे लिखा हुआ कि प्राइम मिनिस्टर एम्फसाइज ऑन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन ऑन हिज गवर्नमेंट एज ही स्पोक हाईली अबाउट द हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च एक्टिविटीज ऑफ द यूनिवर्सिटी। और प्राइम मिनिस्टर ने एम्फसाइज किया एजुकेशन के क्या एम है, क्या लक्ष्य है, और हमेशा वो बोलते रहते हैं एजुकेशन के बारे में। ही वॉज वेल अवेयर ऑफ इम्प्रूवमेंट्स इन जामिया नेशनल एंड इंटरनेशनल रैंकिंग कंटिन्यूअसली ओवर द ईयर्स। और उन्होंने ये भी कहा कि हम जानते हैं जामिया के रैंकिंग डे बाय डे इंप्रूव हो रही है, देश में भी और विदेशों में भी जामिया के रैंकिंग इंप्रूव हो रही है, ये प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा। आगे लिखा हुआ है कि द वाइस चांसलर एश्योर द प्राइम मिनिस्टर दैट शी वुड डू हर बेस्ट टू एंश्योर द जामिया फुलफिल द गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्टिव्स इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन एज वेल एज इनकल्केटिंग द स्पिरिट ऑफ द नेशन बिल्डिंग अमंग द स्टूडेंट्स। और जामिया के वाइस चांसलर ने मोदी जी को ये एश्योर किया, विश्वास दिलाया कि जो भी गवर्नमेंट्स के इनिशिएटिव्स होगी उसमें जामिया हमेशा खरा उतरेगी और हमेशा गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगी और उसको सक्सेस बनाने में हेल्प करेगी गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया को। वाइस चांसलर ने ये मोदी जी को विश्वास दिलाया। आगे लिखा हुआ कि प्राइम मिनिस्टर अप्रिशिएटेड प्रोफेसर अख्तर फॉर हर लीडरशिप हर स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग बाय डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बोथ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ इन अकॉर्डिंग विद देयर प्रोफेशनल एबिलिटीज एंड एफिशिएंसीज। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने नजमा अख्तर जी को सराहा और कहा नजमा अख्तर जी का जो लीडरशिप क्वालिटीज है जो जामिया का टीचर्स को और नॉन टीचिंग स्टाफ को और नॉन टीचिंग स्टाफ को भी गाइड कर रही है, सपोर्ट कर रही है और जामिया के ऑब्जेक्टिव्स को, जामिया के ऑब्जेक्टिव्स को और देश के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में बिल्कुल सक्षम और खरा उतर रही है। आगे लिखा हुआ है कि इट मे बी मेंशन्ड हियर दैट प्रोफेसर अख्तर हैड कॉल्ड ऑन द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ द विजिटर ऑफ द यूनिवर्सिटी श्री रामनाथ कोविंद ऑन जुलाई 1, 2019 एंड हैड अप्राइज्ड हिम ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय हर फॉर इम्प्रूविंग एकेडमिक एंड रिसर्च एक्टिविटीज इन द यूनिवर्सिटी। और प्रोफेसर नजमा अख्तर जी जो कि वाइस चांसलर हैं अभी जामिया के, इन्होंने 1 जुलाई को भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को बुलाई थी, उनको ब्रीफ की, उनको बताई कि जो स्टेप बाय स्टेप क्या एक्शन ली है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ को। वाइस चांसलर जी ने राष्ट्रपति को बताई कि क्या स्टेप वो ले रही है टीचिंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने में और रिसर्च और एकेडमिक सिस्टम को इम्प्रूव करने में क्या क्या स्टेप्स ली हैं वो राष्ट्रपति जी को 1 जुलाई को बताई थी। जामिया फ्रेटर्निटी एज वेल एज जो देश की जनता है वो सबके लिए खुशखबरी है कि मोदी जी का सपना जामिया पूरा करे और जामिया का सपना मोदी जी पूरा करे, ये सबके लिए विन विन सिचुएशन है। हम सबको सपोर्ट करना चाहिए एक दूसरे को, हमेशा जिंदगी एक दूसरे के सपोर्ट से ही आगे बढ़ती है। और मैं आशा करता हूं कि जल्द ही मेडिकल हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज जामिया में बने और सारे देशवासियों को फायदा हो। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं और एक लाइक बटन को जरूर प्रेस करके हमें मोटिवेट करें ऐसी वेल रिसर्च वेल ऑथेंटिक और प्रूफ के साथ वीडियो बनाने के लिए। हम है राही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया।
सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। हम है राही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते। तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया।